पटना पीएमसीएच का एक और नया कारनामा देखने को मिला है, जहां जिंदा मरीज के परिजनों को किसी दूसरे की लाश सौंप दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि मरीज अभी भी जिंदा है और उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है। दरअसल ब्रेन हैमरेज के शिकार एक व्यक्ति को बीते 9 अप्रैल को पीएमसीएच में एडमिट कराया गया। रविवार सुबह अस्पताल कर्मियों ने परिजन को मरीज की मौत की सूचना दी और आनन फानन में मरीज का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर परिजनों को बॉडी सौंप दी गई। वहीं दाह संस्कार क्रम में दौरान परिजनों ने जब मुखाग्नि देने के लिए चेहरे का कवर हटाया तो पता चला कि शव उनके परिजन का तो है ही नहीं। इस पर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जाकर जमकर हंगामा किया। मामा जी इधर कुछ लगता है कि हेल्थ मैनेजर के द्वारा या किसी के द्वारा जो है सब हमको भी आपके माध्यम से पता चल रहा है, थोड़ी देर पहले पता चला, तो इस पर हम जांच कर रहे हैं। अगर जो भी दोषी इसके लिए होगा उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मृत जो आदमी है ना, वो दूसरे को शायद कर दिया गया, लेकिन उसके लिए हम जांच कर रहे हैं। जांच करा करके तो हम डिटेल बता पाएंगे आपको। तो जीवित व्यक्ति है अभी यहाँ एडमिट आपके यहाँ?